यार मैंने आज तक ना एक ऐसा एथलीट देखना है यार जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसने कभी कोई सामान ना लिया हो, कभी कुछ ना लिया हो। क्या ऐसा हो सकता है भाई कि कोई बंदा ऐसा भी हो जिसने 12 महीने नेचुरल रहा और उसकी बॉडी भी पूरी दिखती हो? क्योंकि लोग तो ऑन ऑफ करते हैं, ऑफ पे मोटे हो जाते हैं और ऑन पे पतले हो जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमारे साथ आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर भाई, ये बात सच है जो मैं सुन गया है भाई? जी भाई, बिल्कुल सच है भाई। एक बार तो झलक बनती है भाई कैमरे पे दिखानी, भाई एक बार तो दिखा दो भाई। भाई को फ्लेक्स करके दिखाना भाई। भाई 12 महीने सेम पोजीशन भाई? जी बिल्कुल भाई, ऐसे ही रहता हूँ मैं 12 महीने। 12 महीने ऐसे क्या करते हो भाई कि बिल्कुल सेम ऐसे? भाई वैसे तो कोई कुछ अलग नहीं करता, बाकी ये है अपनी डाइट क्लीन रहती है भाई। घर में कोरमा वोरमा नारी ये सब नहीं? सब चलता है भाई, बिरयानी वगैरह सब चलती है, लेकिन अपने बॉडी का कुछ गॉड गिफ्टेड कह लो, कैसे कह लो, लेकिन फैट वैसे ही नहीं छड़ता, लेकिन मैं डाइट फिर भी क्लीन ही रखता हूँ भाई। मैं तो वेंस भी देख रहा हूँ कि वेंस भी इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं भाई। एक बार वेंस ऐसे करके दिखाना एक बार भाई, टोटली वेंस। तो भाई ये इतनी अच्छी बॉडी है, कभी आपने सोचा कि मुझे कुछ सामान वामान लेना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए? मतलब तो होता ना, आप एक जिम में आ रहे हो, आपके आसपास एथलीट ही एथलीट हैं, वो भी प्रोफेशनल एथलीट जो कॉम्पीट करते हैं, और माशाल्लाह आपको इतना अच्छा मतलब भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है, तो कभी इसको आगे बढ़ाने के लिए कभी कुछ सोचा भाई आपने? भाई ऐसा है, अपने को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बॉडी अपनी वैसी ग्रो करती है। अच्छा, तो कभी सोचा नहीं फिर इस तरफ लेने के लिए। बाकी ये कंपटीशन के टाइम पे थोड़ा बहुत शायद भाई कहते हैं फैट बर्नर वगैरह, वैसे तो स्किन पतली है मेरी। अच्छा, कभी थोड़ा बहुत फैट बर्नर वगैरह ले लेता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। भाई डाइट क्या रहती है 12 महीने भाई आपकी? भाई डाइट तो ऐसे तो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन बाकी अपना फेवरेट है दही चावल। अच्छा, चिकन वगैरह ये चलता है बस। भाई ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड होती है भाई? हाँ बिल्कुल, ग्रीन वेजिस तो ऐड ही रहती है। अच्छा, तो भाई वर्कआउट कितने टाइम करते भाई आप? वर्कआउट तो 2 टाइम करता हूँ ऐसे। अच्छा, 2 टाइम वर्कआउट भाई? ये बॉडी पार्ट और कार्डियो अलग का कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है क्या, कैसे की? कार्डियो हफ्ते में 2-3 बार हो जाती है। अच्छा, कभी अभी थोड़ा अपना बिजनेस भी है थोड़ा, इसलिए टाइम नहीं मिल। तो भाई 2 टाइम एक्सरसाइज करते हो, तो भाई 2 का मैं शेड्यूल क्या रहता है आपका भाई? शेड्यूल तो ऐसा है कि ऊपर नीचे हो जाता है कभी, लेकिन यह है अपना बॉडी वेट तो रेगुलर चलता ही है, बाकी संडे में कार्डियो अपना जिम खोल के कार्डियो कर लेते हैं भाई। संडे तो छुट्टी होती है, आराम करते भाई, संडे को भी कार्डियो करते भाई? बिल्कुल, क्योंकि अपना ही जिम है, अपने अपने भाई का जिम है, तो अपना कभी भी आ जाते हैं। शायद भाई खुद करवाते हैं खड़े होकर सर पे? जी बिल्कुल, साथ में ही करते हैं भाई। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने लड़के देखे इतने शायद भाई तैयार कर रहा है, कभी ऐसा तुमने देखा शायद भाई होता ना कि हाँ किसी लड़के पे ध्यान दे रहा हो, किसी पे ना दे रहा हो, या कुछ ऐसा कभी कुछ देखा तुमने? नहीं ऐसा नहीं है, प्रॉपर सब पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, अपना भाई समझ के सबको। अच्छा, किसी पे ऐसा नहीं है, किसी पे ज़्यादा किसी पे हम, पूरा ध्यान दिया जाता है सब पे अच्छी तरह भाई। मतलब मैं कंपटीशन पे जब आप जाते हो और आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हो, आपके घर में नली नहारी ये सब कुछ बनता होगा भाई, उसे छोड़ते हो कंपटीशन में क्या? बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी से वाटर गिराना। अच्छा, पड़ता है। अच्छा, इस वजह से छोड़ना पड़ता है। तो बाकी भाई कंपटीशन कितने खेले भाई आपने? कंपटीशन खेले हैं काफ़ी, 8-10 कंपटीशन खेले हैं। अच्छा, YMCA वगैरह भी खेला, उसमें भी सेकंड आया था मैं। अच्छा, पिछली बार। अच्छा, 2019 में। बाकी काफ़ी कंपटीशन खेले, गोल्ड भी जीता है। तो भाई ये शुरुआत कैसी हुई? मतलब मैं आपके देख रहा हूँ कि इतना कुछ आपने मेरे को बताया, कहीं से तो शुरुआत होगी, किसको देखा, क्या करवाया? शुरुआत भाई ऐसे हुई थी, वैसे तो क्रेज़ था ही, देखता था अपने, मेरे एक दो दोस्त थे तो वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, स्टार्ट करा उन्होंने भी, तो उन्हें देख देख के थोड़ा शौक भी था, तो पापा ने भी थोड़ा मोटिवेट करा। पापा पहले चाहते थे अपने लाइफ में, पहले तो पापा कर नहीं पाए किसी वजह से, तो इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेट करा, यहाँ पे जिम कर। अच्छा, मतलब ये पापा ने ही मतलब पुश करा कि बेटा जा? करा पापा ने बिल्कुल, क्योंकि मैं अंडर वेट था, 45 था। 45? हाँ 45 वेट था पहले मेरा, अब मेरा 85 है। अच्छा, तो भाई ये तो बिल्कुल ही डबल हो गया भाई। हाँ डबल हो गया भाई। कितना चावल खाते हो भाई कि ये बिल्कुल डबल हो गया भाई? चावल चिकन यही चलता है, बाकी ये है पहले सब मुझे चिढ़ाते थे, इस वजह से भी थोड़ा मोटिवेट हुआ। अच्छा, क्लास में बुली करते थे। अच्छा, वैसे करते थे, पतला था मैं काफ़ी इस वजह से। अच्छा, फिर थोड़ा इस वजह से भी शौक लगा कि हाँ भाई नहीं, मुझे वेट बढ़ाना है अपना। पहले भाई कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप स्कूल में भी बुली करते थे, तो कभी ऐसा हुआ यार कि मैं करके आ रहा हूँ, मैं इतना पतला क्यों, कभी घर वालों को बोला हो या कुछ ऐसा कराओ? हाँ बिल्कुल, घर वाले इसी वजह से भी थोड़ा कहते थे कि हाँ भाई थोड़ा वेट गेन हो जाएगा इसका। अच्छा, इसे जिम भेजो। अच्छा, इसलिए थोड़ा
मुझे पुश करा उन्होंने घर वालों ने। पहले तो मैं यही चाहता था हाँ भाई 2-3 किलो 5 किलो वेट मेरा गेन हो जाए। अच्छा। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा फिर थोड़ा थोड़ा करके मुझे शौक लगा, फिर मैं देखता था सबको तैयार हुए ऐप्स देखता था मुझे, मैं सोचता था मुझे भी बनाना है भाई ऐप्स बनाने। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करता गया, फिर बस इसी तरह। तो भाई ये तो ही आपकी जर्नी की बात कि आपने किसको देखा, कोई ऐसा लाइफ में था भाई जिसको क्या होता ना एक फिल्म इंडस्ट्री वाला हो या कोई दोस्त हो या कोई ऐसा हो कि जिसको देखा और बंदा कहता है अब मुझे ऐसा बनना भाई? हाँ, पहले वसीम भाई के अंडर ही गए थे सबसे पहले हम फ्रेशर थे, तो वसीम भाई को देख के सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुए थे। तो उन्हीं के अंडर देख देख के सब भाई को ही देखते थे रोज़ाना कि क्या बॉडी है यार ऐसी, कभी सोचते थे हम क्या बनाएंगे इस तरह कुछ कुछ ना कुछ करेंगे, भाई को देख के काफ़ी मोटिवेट हुए थे। तो भाई शाहिद भाई कहाँ मिले आपको? शाहिद भाई वसीम भाई के ही मुझे मिले थे, बाकी वो वहाँ तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन की, हम तो फ्रेशर थे। अच्छा। बाकी वहीं से दोस्ती हुई, वही मेरे मेंटर है, बाकी बने बाद में। भाई एक आप मैं अभी भी क्वेश्चन पे आता हूँ भाई, कभी आपने देखा कि शाहिद भाई भी पूरे ट्रेंड होते हैं? मैंने उनके जिम में और लड़के भी देखे जो भाई बिल्कुल ट्रेंड होते हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दो क्या पता सामान भी लेते हों, तो कभी आपका दिमाग उस चीज़ पर जाता है? नहीं भाई, कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई कभी, क्योंकि बॉडी अपनी वैसे ही ग्रो करी मैंने पहले, मैंने ये चाह ऐसे ही करके देखूँ पहले नेचुरली। अच्छा। फिर अपना वैसे ही ग्रो करती गई बॉडी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर सोचने की कुछ। तो भाई आगे आपको अब क्या आगे के क्या विचार भाई आपके? आगे ये है अभी कंपटीशन जैसे स्टार्ट होते हैं फिर खेलूँगा। अच्छा। बाकी वही तैयारी रहेगी फिर। तो भाई यूथ को क्या बोलना चाहोगे कि आप जैसे नेचुरल में आपने इतने बिल्ड करा है, क्या औरों को क्या मैसेज देना चाहोगे भाई? भाई मैसेज यही रहेगा कि अपना फिटनेस रखें, ज़रूरी है, मस्ट है ये तो। अच्छा। अपना क्लीन डाइट लें और अंडे चावल, बिल्कुल दही चावल चिकन ये तो मैंडेटरी है। अच्छा। तो दोस्तों समझ आई, नेचुरल डाइट भी और नेचुरल तरीके से भी अपनी फिटनेस को मेंटेन किया जा सकता है। ये एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा है। अगर आप भी नेचुरल डाइट और नेचुरल के लिए एग्री करते हो तो एक थम्स अप करिए इस वीडियो पे, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर ऐसे जा रहे हो तो दंडा पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको एक अगली बार एक नए एथलीट के साथ। बाय बाय।